फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए टू माइनस एट प्लस के इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर बी हमें प्रोजेक्शन मालूम करना है वैक्टर ए का इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर बी वैक्टर बी इज थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेल्व सो ये प्रोजेक्शन ऑफ अ वैक्टर का सवाल है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है हमारे पास हमें गिवेन है दो वैक्टर्स ए टू आई माइनस एट जे प्लस के राइट और बी है हमारे पास कितना थ्री आई माइनस फोर जे माइनस ट्वेल्व के और हमसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू b ए बी हम इसको लिख सकते हैं ठीक है प्रोजेक्शन में एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर है तो वो चीज हमें पता होना जरूरी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू या ऑन बी राइट प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन या ऑन दिस वैक्टर सो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक चीज को और जरा वेरीफाई कर लेते हैं तो इसको एक बार और समझ लेते हैं इस चीज को उसकी वजह यह है कि हमें प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर वैक्टर ए एंड दिस इज अवर वैक्टर बी ये दोनों आपस में एड नहीं हो रहे हैं कोई हेड टू टेल रूल वगैरह यहां पर नहीं लगेगा ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा तो जो प्रोजेक्शन है उसका मतलब है कि ए का कितना पार्ट बी के अलोंग है या ए का कितना कॉम्पोनेंट जो है वो बी के साथ पैरल है तो वो जो कॉम्पोनेंट पैरल है वो है हमारा ए ऑन टू बी और यही हमें निकालना है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी राइट सो प्रोजेक्शन निकालने का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है अगर आप ए ऑन टू बी की बात करेंगे तो इट विल बी ए डॉट बी ए विल बी द वेक्टर बी विल बी द यूनिट वेक्टर सो इस यूनिट वेक्टर को हम मजीद ओपन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का हमें पता है कि यूनिट वेक्टर मीन्स वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड राइट सो ऑन टू बी विल बी ए डॉट b डिवाइड बाय b हमारे पास a है हमारे पास b है लेकिन हमारे पास ये b का मैग्नीट्यूड नहीं है तो बस ये काम करना होगा कि हमें b का मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा यानी कि जो हमें b वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड हमें निकाल के इस फॉर्मूला में हमारे पुट करना होगा सो so b का मैग्नीट्यूड है b इज इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड के लिए तमाम कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं पहला कॉम्पोनेट है हमारे पास थ्री थ्री का स्क्वायर कर दिया प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट है हमारे पास फोर आइदर राइट इट माइनस फोर और फोर इट डजेंट मैटर बिकॉज ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस साइन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा माइनस ट्वेल्व राइट तो अगेन सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है इसको हम ट्वेल्व भी लिख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट थर्टीन राइट right. तो अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं नाउ दिस क्वेश्चन विल बी क्वाइट ए डॉट बी राइट ए की पूरी की पूरी वैल्यू हमें पता है ए डॉट बी टू आई माइनस एट जे प्लस के यानी के वन सो हम इसको के ही राइट कर देते हैं डॉट बी की वैल्यूज थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेल्व थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेल्व के और इसके होल डिवाइड में आ जाएगा हमारा जो बी की वैल्यू थी थर्टीन वो आ जाएगा राइट सो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वाला जो है वो बचता है दैट मीन्स आई डॉट आई जे डॉट जे बाकी तमाम हमारे लिए जीरोज हो जाते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे टू विल बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू मल्टीप्लाई बाय थ्री और इसके बाहर हम लिख देंगे आई डॉट आई प्लस ताकि बाहर साइन कॉमन रहे माइनस एट मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर तो हम इसको अभी मेंशन कर देते हैं ऑल दो ये स्टेप अगर हम ना भी लिखें तब भी कुछ नहीं होगा हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई आपस में करके आंसर भी लिख सकते हैं और हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेल्व वन मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेल्व के डॉट के एंड थर्टीन अपनी जगह पे मौजूद है हमने उसको कुछ भी नहीं किया है राइट तो, right, ये आई डॉट आई ये भी वन हो जाएगा जे डॉट जे ये भी वन हो जाएगा के डॉट के ये भी वन हो जाएगा तो हमें इसके बारे में ज्यादा बॉदर करने की जरूरत टू बी ए बी प्रोजेक्शन तो टू थ्रीजा हो गया हमारे पास सिक्स प्लस एट फोर थर्टी टू दोनों माइनस में थे कोई क्वांटिटी का नाम यहाँ पे गिवन नहीं था जस्ट सिंपली यूनिट्स ही लिखा हुआ या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम यूनिट्स लिख देंगे एंड दैट इज अवर आंसर एंड दिस इज द वे टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ अ vector. This formula is important for us and that is our answer.